दो बलों का परिणामी, यदि दो बल पी और क्यू हैं तो उनके बीच का जो एंगल है अल्फा है, तो जो फॉर्मूला आर इक्वल टू रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, तो पी ए सॉरी आर इक्वल टू रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। यहाँ पर कॉस अल्फा एंगल है, पी और क्यू के बीच का एंगल है कॉस अल्फा। ये इस तरीके से फिगर होता है, ये पी और क्यू के बीच का एंगल है कॉस अल्फा। ये है, ये क्यू है, ये आर है, आर है, ये क्यू है और ये अल्फा है। यदि परिणामी आर बल पी की दिशा से कोण थीटा बनाए, तो यदि कोण थीटा बनाए तो क्या होगा? ये थीटा बनाता है, तो टैन थीटा इक्वल टू क्यू साइन अल्फा प्लस पी पी प्लस क्यू कॉज अल्फा, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉज अल्फा। यदि आर जो परिणामी है, ये आर, ये सीधी रेखा है आर, पी की दिशा से कॉस कोण थीटा बनाए, तब परिणामी अधिकतम होगा जब कॉज अल्फा इक्वल टू वन होगा। जब कॉज अल्फा इक्वल टू वन होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू वन ही होती है, कॉज जीरो इक्वल टू वन, तो जब कॉज अल्फा इक्वल टू वन होगा, अर्थात जो अल्फा होगा, जो एंगल होगा वो जीरो होगा, तब सबसे अधिक वैल्यू होगी। और तब वैल्यू कितनी होगी? आर इक्वल टू पी माइनस क्यू। जब परिणामी न्यूनतम होगा, तब कॉज अल्फा इक्वल टू माइनस वन, कॉज अल्फा इक्वल टू माइनस वन, यानी आर इक्वल टू पी माइनस क्यू जब पी इज ग्रेटर देन क्यू, और आर इक्वल टू क्यू माइनस पी जब पी लेस देन क्यू। विभुजित भाग ज्ञात करना, विभुजित भाग कैसे? तो ये एफ साइन थीटा होता है आप, और ये एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार ये लंब है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये इसे एफ साइन थीटा होता है और ये एफ कॉस थीटा होता है। लाल बट्टी कक्का अर्थात लंब बट्टी कड़ के अनुसार आप निकाल सकते हैं। तो एफ की जो विभुजित भाग है, एक्स की ओर एफ कॉस थीटा हो गया, एक्स की ओर है, और वाई की ओर है एफ साइन थीटा। तो अभीष्ट घटक एफ साइन थीटा दी हुई दिशाओं में जो किसी बल के घटक अगर ज्ञात करना होता है, तो इस तरीके से ज्ञात करते हैं। एफ साइन थीटा सॉरी एफ साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर अल्फा ये है और बीटा ये है, अर्थात आप देख सकते हैं, और ये वाला एंगल वाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो एफ साइन अल्फा और अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। अब ये घटक, एक ये घटक और एक ये घटक, तो दी हुई दिशाओं में जो किसी बल के जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो ये इस तरीके से इस फार्मूला से फाइंड आउट हो सकते हैं। सेकेंड है कि बल त्रिभुज नियम। यदि एक ही बिंदु पर लगे हुए तीन बल चक्रीय क्रम में ली गई किसी त्रिभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किए जा सकें, तो बल संतुलन में होते हैं। आप इसे देख सकते हैं कि ए बी वेक्टर, ए बी प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर, और वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर सी एच इक्वल टू जीरो। लामी का प्रमेय, यदि एक बिंदु पर लगे हुए तीन बल संतुलन में हों,
तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। ये लामी रूल से यदि संतुलन में हों तब जो प्रत्येक बल होता है वो साइन के समानुपाती होता है। ये पी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा इक्वल टू आर अपॉन साइन गामा, लामी थ्योरम। लैम्डा माइनस म्यू प्रमेय, तो यदि किसी बिंदु ओ पर दो बल लैम्डा ओ ए वेक्टर और म्यू ओ बी वेक्टर क्रमशः ओ ए और ओ बी दिशा ओ बी में लगे हों तो उनका जो परिणामी होगा वो लैम्डा प्लस म्यू उसी वेक्टर होगा, और जहां पर लैम्डा सी ए इक्वल टू म्यू सी बी है, लैम्डा ओ ए वेक्टर प्लस म्यू ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू ओ सी वेक्टर। तो कई बलों का परिणामी आर कॉस थीटा इक्वल टू एफ वन साइन कॉस थीटा प्लस एफ टू साइन कॉस थीटा टू प्लस इस तरीके से डेडस एक्स इक्वल टू जो परिणामी होता है, आप ये फिगर भी देख सकते हैं। इसी तरीके से आर साइन थीटा इक्वल टू एफ वन साइन थीटा वन प्लस एफ टू साइन थीटा टू प्लस एफ थ्री साइन थीटा थ्री इक्वल टू वाई, तो ये टेन इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं एफ वन साइन थीटा वन प्लस एफ टू साइन थीटा टू अपॉन में एफ वन साइन कॉस थीटा वन प्लस एफ टू कॉस थीटा टू इक्वल टू डेड डेस। त्रिकोणमितीय प्रमेय, तो तीन बलों वाले प्रश्नों को हल करने के लिए दो उपयोगी प्रमेय एम प्लस एन कॉस थीटा इक्वल टू एम कॉस अल्फा माइनस एन कॉस बीटा और एम प्लस एन कॉस थीटा इक्वल टू एन कॉस थीटा ए माइनस एन कॉस थीटा बी। आघूर्ण, किसी बिंदु ओ के सापेक्ष बल का आघूर्ण उस बल ओ से बल की क्रिया रेखा पर डाले गए लंब के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात एफ पी फैक्टर यदि किसी समतल में किसी बिंदु के सापेक्ष बलों के आघूर्ण की बीजीय जोड़ शून्य हो जाए तो बलों का जो परिणामी हो वो शून्य हो जाता है, अर्थात बल संतुलन में होते हैं, या परिणामी बल उस बिंदु से जाता है जिसके सापेक्ष आघूर्ण लिया गया है। सेकेंड है कि दो समान समांतर तथा विपरीत बल जिसकी इनकी क्रिया रेखा एक ना हो बलयुग में बनाते हैं, बलयुग युग्म का आघूर्ण पी इंटू ए बी इक्वल टू पी बल है, ए बी युग्म की भुजा है, दो समांतर बल पी के बीच की दूरी। तीसरा है थर्ड, यदि एक दृढ़ पिंड पर लगे बल पिंड को संतुलन करने में रखते हैं तो वे या तो बल बिंदुगामी होंगे या समांतर होंगे। यदि एक बल निकाय किसी समतल में कार्य करते हुए दृढ़ पिंड को साम्यावस्था में रखता है तब ई एक्स इक्वल टू सेकेंड का है ई वाई इक्वल टू जीरो, ई एक्स इक्वल टू जीरो और सेकेंड में ई वाई इक्वल टू जीरो, ई पी इक्वल टू भी जीरो होगा। फोर्थ नंबर है गुरुत्व केंद्र, किसी दृढ़ पिंड या कणों की निकाय का वह बिंदु होता है जिससे समस्त पिंड व कणों का भार कार्य करता है। फर्स्ट है कि एक सीधी सर्वत्रम त्रिसम छड़ का गुरुत्व केंद्र मध्यबिंदु होता है, एक समांतर चतुर्भुज के आकार के समपटल की गुरुत्व केंद्र विकर्णों के कटान बिंदु होता है और एक त्रिभुजी समपटल का गुरुत्व केंद्र माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर है। प्रामिड अर्थात लंबे वृत्ति शंकु का गुरुत्व केंद्र शीर्ष को आधार से के केंद्र से मिलने वाली सरल रेखा पर स्थित होता है तथा आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर होता है।
लंबी वृत्ति बेलन का गुरुत्व केंद्र उसके अक्ष के मध्य बिंदु पर होता है और खोखले शंकु का गुरुत्व केंद्र शीर्ष को आधार के केंद्र से मिलने वाली रेखा पर आधार से इस रेखा की 1/3 दूरी पर होता है और एक समतलीय भारी बलों के समूह का गुरुत्व केंद्र भार W1, W2, W3 तथा स्थिति X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 हो तो गुरुत्व केंद्र X = W1X1 प्लस W2X2 प्लस WnX1 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस WN और Y = W1Y1 प्लस W2Y2 WnY1 अपॉन W1 प्लस W2 ये होता है। तो ये स्थिति विज्ञान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला कलेक्शन थे, स्थिति विज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट फार्मूला कलेक्शन थे। यदि आपको ये थोड़ा सा नॉलेज दिया हो उसने तो आप इसे लाइक कर दें, नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा लें और सब्सक्राइब कर लें, ये ज़रूर कर लें क्योंकि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप इसे लाइक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।